ज yeah, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इलास्टिकर की इलास्टिकर भी कैसे यूज होता है और उसको यूज कैसे दिया हमने प्रैक्टिकली चेक किया था अगर आपने अभी तक वो मीडियो देखा नहीं है तो एक बार चेकआउट कर सकते हैं तो आज हम से केंगे आज की वीडियो में एस थ्री जो होता है सिंपल स्टोरेज सर्विस जो है अमेज़न की तरफ से प्रोवाइड किया गया वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड जो है सर्विस है एस थ्री ठीक है तो आज देखेंगे हम हाउ टू यूज़ एस थ्री वट इज़ द रीज़न यू यूज एस थ्री ओके तो मेनली एस थ्री जो है क्या क्या ऑफ़र करता है एस थ्री ऑफ़र करता है केनेबल ड्यूरेबल एंड सिक्य स्टोरेज फर ऑबजेक्ट मतलब क्या होता है जो एस थ्री होता है सिम्पल स्टोरेज ये ईजीली स्कनअप और इजिली कैन डाउन हम कर सकते हैं जिसके फॉर एग्जाम्पल अगर आपके कंपनी या फिर आप जहाँ पर काम कर रहे हो वहाँ पर अगर सपोज आज जो है आपका स्टोरेज कैपेसिटी हंड्रेड जी बी है और आपको इन फ्यूचर आपको अगर लगता है कि आपको टू हंड्रेड जी बी आपका स्टोरेज स्पेस चाहिए तो केस में आप क्या करोगे आप सिंपल ए एस का जो ऑफ़र किया गया स्केलेबल स्केलेबिलिटी जो होता है हम वो यूज़ करके स्केल अप और स्केल डाउन ईजिली हम कर सकते हैं ठीक है तो सिमिलरली ड्यूरेबल तो ड्यूरेबिलिटी जो है शस्त्र से प्रोवाइड किया गया वो जो है नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन 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 एलेवन टाइम्स नाइन परसेंट इतना उसका ड्यूरेबल दिवरेबिल, ड्यूरेबिलिटी है ठीक है और साथ में जो जितने भी आप हिस्ट्री सिक्योर हिस्ट्री में आप ऑब्जेक्ट बनाते हो बकेट्स बनाते हो तो उसमें आपको जो सिक्योरिटी है आप इंक्रिप्शन भी कर सकते हो आपका जो फाइल्स फाइल हो गया फोल्डर हो गया तो आप इंक्रिप्ट भी कर सकते हो तो यहाँ पे इंक्रिप्शन भी मिल सकता है और जो नेक्स्ट थिंग जो है बकेट तो इस थ्री में हम जो ऑब्जेक्ट की साइज होती है ऑब्जेक्ट मतलब जो फाइल फोल्डर्स जो होते हैं उसके साइज मैक्सिमम कितना कर सकते हैं फाइव टेराबैट ओके फाइव टेराबैट तक हम लोग अपना डेटा सेव कर सकते हैं और साथ में हम एक ए डब्ल्यू एस अकाउंट अगर आपने क्रिएट किया है तो एक ए डब्ल्यू एस अकाउंट में हम अप टू हंड्रेड बकेट्स हम क्रिएट कर सकते हैं विदिन वन ए डब्ल्यू एस अकाउंट ठीक है तो फर्स्ट थिंग बकेट क्या होता है तो बकेट क्या होता है बकेट मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आप घर में आपका बकेट होगा भैया एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक नॉर्मल एग्जाम्पल्स तो हम बकेट जो होता है एक स्टोरेज है स्टोरेज के अंदर हम अपना जितना भी क्लोथ्स हो गया बर्तन हो गया जो, जो वोर जैसे हम लोग उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं तो सेवन एरनी में भी बकेट दिया होता है मतलब बकेट के अंदर हम अपना डेटा स्टोर करते हैं एज ए ऑब्जेक्ट ठीक है और अगर आगे अगर बात करूँ तो S3 जो है वो सर्वरलेस जो है सर्वरलेस होता है तो उसको तो S3 कोई भी सर्वर यूज़ नहीं होता है तो आप एंड सेकंड थिंग आप हम लोग जो है S3 जो है इस टू इंस्टेंस को अटैच नहीं कर पाते कर, कर सकेंगे अगर आपको S3 यूज़ करना है तो आपको एक यूनिक यू जो है वो इसी uh, जो है यूनिक यू क्रिएट करता है तो यानी कि यू आप किसी भी इंस्टा से कर सकते हो अदरवाइज आपको जो लोकल मशीन है वहाँ से भी कर सकते हो या कहीं से भी आप वेब वेब के थ्रू भी कर सकते हो तो आप यू आर के थ्रू आप एक्सेस कर पाओ ठीक है एंड एस थ्री जो है वो ग्लोबल ग्लोबल जो है स्पेशल उसका जो है ग्लोबली हम एक्सेस कर पाते हैं एंड जो बकेट उसके अंदर हम क्रिएट करेंगे वो होते हैं रीजनल वे बे, रीजनल बेस मतलब जो कि हम अगर सपोज मुंबई रीजन के लिए हम ए हम का अकाउंट हैं तो मुंबई uh, रीजन में ही वो वर्क होगा ओके एंड एस थ्री एस थ्री जो हम क्रिएट करेंगे वो ग्लोबल होता है और उसके अंदर जो बकेट है वो रीजनल बेसिस होता है याद रखिए एंड द सेकेंड मोस्ट लगा और एक इम्पोर्टेंट थिंग बाई डिफॉल्ट हम जब बकेट बनाते हैं तो बकेट जो बनते हैं वो प्राइवेट में होता है बट अगर हमको उसको पब्लिकली एक्सेबल करना है एक्सेबल करना है तो उसको हम पब्लिक कर सकते हैं उसके फीचर यूज करके वो कैसे करना है वो आपको आगे मैं बता दूंगा ठीक है तो नेक्स्ट है ए डब्ल्यू एस के सॉरी स्त्री के जो फी फीचर्स हैं उसके बारे में बताता हूँ ठीक है तो फर्स्ट थिंग है ऑब्जेक्ट स्टोरेज तो ऑब्जेक्ट स्टोरेज मतलब क्या है कि इस्तरी जो है ऑब्जेक्ट फर्स्ट टर्म ऑब्जेक्ट मतलब एक ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है ऑब्जेक्ट मतलब आप जो आप फाइल्स हैं फाइल्स के मतलब इमेज हो गया वीडियोस हो गए आपके फोल्डर्स हो गए ये सारे कंसिस्ट ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट ओनली ओके तो इसमें हमारा डेटा आ गया मेटा डेटा ये सारी चीज़ें उसके अंदर ही आती हैं ठीक है एक हाँ जैसे कि आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग इमेजेस टू वीडियोज एंड एप्लीकेशन डेटा ओके द सेकेंड टर्म जो है फीचर जो है स्केलेबिलिटी तो स्केलेबिलिटी मैंने बताया पहली तो स्केलेबिलिटी क्या होता है वेन एवन यू हैव द रिक्वायरमेंट माई नीन्स वो जब भी रिक्वायरमेंट है आप स्केल और स्केल डाउन ईजीली कर सकते हैं ओके थर्ड थर्ड जो है ड्यूरेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी जैसे कि मैंने बताया हिस्ट्री जो है ड्यूरेबल है नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन 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 एलेवन टाइम्स नाइन तो सोच लीजिए कितना ड्यूरेबल होगा और यहाँ पे ड्यूरेबल मतलब आपका डेटा लॉस जो है वो ना के बराबर होगा ना के बराबर हाईली प्रोटेक्टेड होता है ये डेटा जो है ना भी हाईली प्रोटेक्टेड लॉस कुछ भी नहीं होगा आपने एक बार अपलोड किया आपने बार आप निश्चित हो जाएगी आपको दस सन के बाद भी अगर आप डेटा एक्सेस करोगे आपको मिल जाएगा ठीक है तो नेक्स्ट जो है टर्म्स फीचर है सिक्योरिटी तो सिक्योरिटी भी इसके जो है अच्छे से मतलब इंक्रिप्शन एंड ऑल एवरी थिंक प्रोवाइडेड होता है ठीक है तो और नेक्स्ट अगर हम टर्म देखेंगे तो लाइफ साइकिल पॉलिसीज तो लाइफ साइकिल पॉलिसीज मतलब क्या होता है टर्म तो लाइफ साइकिल पॉलिसी में हम एक पॉलिसी सेट कर सकते हैं ए डब्ल्यू की जो हम यूज़ करके पॉलिसी सेट कर सकते हैं कि कब हमारा जो हमने फॉर एग्जाम्पल एक मैंने इस तरह में एक फाइल अपलोड किया और मुझे लगता है कि वो फ़ाइल मुझे एक महीना यूज़ करना है आफ्टर दैट ऑटोमेटिकली वो डिलीट होना चाहिए तो ये हम पॉलिसी सेट कर सकते हैं कि कब डिलीट होना है वेन एवर तो कब उसको ये करना है कब क्रिएट हम क्रिएट भी कर सकते हैं प्लस डिलीट भी कर सकते हैं बाय यूजिंग लाइफ साइकिल पॉलिसी मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे क्रिएट करना है लाइफ साइकिल पॉलिसी इन अ प्रैक्टिकल वीडियोस ओके तो लाइफ साइकिल पॉलिसी आप ईजीली आपको अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो आप ऑफिशियल ई डब्ल्यू एस के वेबसाइट पर जाकर भी आप देख सकते हैं ठीक है तो नेक्स्ट हमें वर्जनिंग वर्जनिंग क्या होता है वर्जनिंग मतलब हमने कुछ हमारा इम्पोर्टेंट डेटा है ठीक है इम्पोर्टेंट फाइल्स है फोल्डर्स है क्योंकि हमको किसी और को मतलब कुछ डिलीट मतलब इम्पोर्टेंट है उसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं करना है हमको तो।, तो इस केस में क्या होता है कभी कभी इंटेंशनली या फिर एक्सीडेंटली आपके हाथ से या फिर आपका कोई जो होता है इंटेंशनली किसी ने डिलीट कर दिया तो इस केस में वर्जनिंग आप अगर आपने इनेबल कर रखा है न? तो इनेबल कर रखा है तो आपका जो डेटा रिट्रीव है या डेटा रिस्टोर है एंड प्रिजर्व हो। जो होता है ये इजीली आप कर सकते हो अगर आपने वर्जनिंग इनेबल किया है तो ओके अगर आपने वर्जनिंग इनेबल नहीं किया है तो आपका जो डेटा जितने भी चेंजेस हो गए तो आप उसको कुछ बैक नहीं कर पाएंगे ठीक है तो मैक्शर जो भी आपके इंपोर्टेंट डेटा है उसको वर्जनिंग हाउस में इनेबल कर रखा है ठीक तो है तो ये भी एक वन ऑफ द बेस्ट फीचर है वर्जिनिंग हम ए डब्ल्यू एस एस थ्री तो नेक्स्ट है एक्सेस एक्सेस कंट्रोल तो एक्सेस कंट्रोल क्या होता है कि एक्सेस कंट्रोल में हम कौन क्या यूज़ करेगा ये सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं ठीक है ठेके? एक्सेस को ओनर एक्सेस करेगा ओनली ऑनर एक्सेस करेगा या फिर हमने जिसको ऐड किया है उसको वो वो भी मतलब ये हम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट हम वहाँ से कर सकते हैं ठीक तो है तो नेक्स्ट टर्म है इवेंट नोटिफिकेशन ठीक है तो इवेंट नोटिफिकेशन क्या है तो इवेंट नोटिफिकेशन जो है हमने कुछ टास्क उसको असाइन किया है जैसे कि हमने ऊपर टर्म एक देखा था कि हम लोग जो होता है पॉलिसीज हम अप्लाई करते हैं तो कब क्रिएट होना है फाइल फोल्डर कब क्रिएट होना है कब डिलीट होना है तो ये पॉलिसी हम सेट करेंगे तो पॉलिसी सेट करने के बाद आपको कुछ नोटिफिकेशन भी चाहिए कि हमने टास्क दे दिया ओके okay. तो एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं हुआ है तो ये इसका भी हमको रिकॉर्ड रखना है तो उसके लिए आई एस थ्री की तरफ से जो है इन लोगों ने इवेंट नोटिफिकेशन सर्विस है उसको हम इनेबल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ई या आपके जो कंपनी का डी होगा उसके ऊपर आपको नोटिफिकेशन आ जाता है उसके लिए हम रेस्क्यू स्क्यूज एंड लैमना फंक्शन जो है ये इस, इस, इस जो है सर्विसेज़ ए डब्लू एस के वो यूज़ करके हम ये ये जो है पॉसिबल कर सकते हैं तो ये लैमना फंक्शन और रेस्क्यू की है और अपकमिंग वीडियोस में जरूर सब पढ़ेंगे ठीक है अभी के लिए आप सिर्फ टर्म याद रखिए ठीक है थी? आप इवेंट नोटिफिकेशन लगा के आप आपका ऑब्जेक्ट जो है वो है डेटा आप क्रिएशन और डिलेशन आप इजीली कर सकते हो ठीक है मल्टीपल अपलोड्स ठीक है नाइन जो है मल्टीपल अपलोड्स मतलब आपके पास कुछ लार्ज ऑब्जेक्ट है मतलब मोर देन हंड्रेड जी बी एंड ऑल आपके पास फाइल है हाँ ओके okay. तो इस केस में आपको क्या करना है आपको मल्टीपार्ट मतलब कंटिन्यूसली आपको अपलोड करना है तो ये फीचर भी आपको आपको जो है एस थ्री प्रोवाइड करता है तो आप मल्टी अपलोड भी कर सकते हैं तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं होती है और सबसे जो मेन है जो मैं आपको बताऊंगा एस्त्री के थ्रू तैरिक वेबसाइट होस्टिंग जो है हम इजीली कर सकते हैं बाय यूजिंग येस्त्री सर्विस डैरिक वेबसाइट होस्टिंग मतलब आपका एक वेब पेज है फॉर एग्जांपल मेरा वेब पेज है ए डब्ल्यू एस क्लाउड यात्रा जो कि मैंने बनाया है ओके तो मुझे वो पब्लिश करना है तो पब्लिश करने के लिए हम कौन से फीचर यूज़ करेंगे तो ये में ही एक फीचर होता है स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग तो हम उसको सिंपली इनेबल करना है उसको कुछ और वो कैसे करना है वो आपको वीडियो में मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा और हम एक वेबसाइट जो है वो पब्लिश करके वो भी देखेंगे और हम उससे गूगल को गूगल से हम एक्सेप्ट करेंगे ठीक है ठीक है एक्सेस करेंगे ओके तो ये मेन मेन जो इतने फीचर हैं जो मैंने बताया तो इसमें ऑब्जेक्ट जो तो मैंने अभी बताया ऑब्जेक्ट क्या होता है कि या कंसिस्ट ऑफ डेटा ये कुछ भी हो सकता है फाइल वज इमेज हो सकता है वीडियो हो सकता है आपके जितने भी एक्सएल फाइल्स हो गए हैं जो आपका कुछ भी डेटा हो वो एज अ ऑब्जेक्ट काउंट होता है इन ना थ्री ठीक है बकेट फर्स्ट आएगा फर्स्ट, फर्स्ट ये स्थ्री सिंपल स्टोरेज सर्विस ये स्थ्री के अंदर हम बनाएंगे बकेट्स बकेट्स के हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना ऐड कर सकते हैं बकेट एक यूनिक उसका यू होगा बकेट का और उसके अंदर ऑब्जेक्ट होगा ओके तो ये कंसेप्ट एडिए तो की तो हम इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जो है बाई यूजिंग इसको कर सकते हैं इंक्रिप्शन कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा ठीक है इंक्रिप्शन के लिए आप ए डब्ल्यू एस प्रोवाइडेड की यूज़ कर सकते हैं या फिर आपने खुद का ए आई एन कुछ बनाया है तो आप वो ए आई एन यूज़ करके आप खुद का भी की जनरेट कर सकते हैं ठीक है ओके तो फोर्थ जो है रीजन रीजन मैंने कि जैसे बताया होता है ये स्त्री स्पेसिफिक ए डब्ल्यू एस रीजन होता है तो इसको जो है रीजन स्पेसिफिक होते हैं बकेट्स ये जो होता है वो ग्लोबल स्पेसिफिक होता है और बकेट्स जो है वो रीजन स्पेसिफिक होता है ये टर्म टाइम याद रखे इंटरव्यू के लिए भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ये जो है ग्लोबल है ग्लोबल स्पेसिफिक है या रिजन स्पेसिफिक है तो बकेट्स रीजन स्पेसिफिक एंड एब्सरी इज अ ग्लोबल ओके तो ये जो चीजें हैं ये इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस चीज़ें और वर्जनिंग तो मैंने आपको बताई है ये कैसे वर्क होता है वर्जनिंग ओके okay? तो और एक टर्म होता है इसके अंदर क्लासेस स्टोरेज स्टोरेज क्लासेस स्टोरेज क्लासेस क्या होता है स्टोरेज मतलब आपने उनके इस तरह के मल्टीपल स्टोरेज क्लासेस है तो उसके अंदर आपको कौन सा चूज़ करना है कौन सा नहीं चूज़ करना है वो भी आप इजीली आप कर सकते हैं तो उसमें वो पांच-छह टाइप के स्टोरेज क्लासेस है ठीक है वो भी हम देखेंगे कौन से कौन से स्टोरेज को कब यूज़ करना है वो भी हम जानेंगे तो एक बार एस थ्री का डैशबोर्ड ओपन करके देखते हैं ओके कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा आपको जैसे लॉन्च होगा कुछ ऐसा दिखेगा तो आपको क्रिएट बकेट जो है तो बकेट क्या है ऑब्जेक्ट होता है और उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट स्टोर कर देते हैं बकेट में ओके तो ये इन्फॉमेशन यहाँ पे उन लोगों ने दिया है ठीक है तो आपको सिंपली यहाँ पे क्रिएट बकेट पे क्लिक करना होगा ओके ठीक है ये होस्ट स्टैटिक वेबसाइट कैसे करना है ये हम करेंगे आप कम ठीक है अभी की थेराटिक के लिए मुझे लगता है ये इनफ है तो अगर आपको कुछ भी थे पार्ट में कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं ओके मैं आपको डेफिनेटली आपको हेल्प करूँगा नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकली ए पी एस थ्री क्रिएट करके